हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोड CE3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को आप कैसे अपने फ़ोन पे इनेबल कर सकते हैं और कैसे गूगल असिस्टेंट आप चालू कर सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करती और आइकन्स ओपन, फिर आपको जाना है गूगल आइकन्स पे। तो गूगल आइकन्स पे जब आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको गूगल आइकन सेटिंग्स पे जाना है, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से गूगल सेटिंग्स आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगी। फिर ऑप्शन आता है गूगल असिस्टेंट, तो इस पे जाएंगे, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है जर्नल ऑप्शंस। तो जर्नल ऑप्शंस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप इस पे क्लिक करके गूगल असिस्टेंट को आप ऑफ़ कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और टर्न ऑफ़ कर देंगे तो गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन पे टर्न ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गूगल असिस्टेंट को आप ऑफ़ कर सकते हैं, और इनेबल करना चाहें तो इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से गूगल असिस्टेंट शो कर पाएंगे। तो इस तरीके से गूगल असिस्टेंट को आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।